मोहम्मद आजम खान की बतौर निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनाती का एलामिया जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा निगरान वजीर आला आजम खान से आज हलफ लेंगे। महमूद खान और अक्रम दुरानी ने गुज़श्ता रोज़ मुतफ़िक़ा तौर पर आजम खान का नाम दिया था। निगरान वजीर आला आजम खान खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को निगरान वजीर आला पंजाब के लिए मुजवजा नाम मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने मुजवजा शख्सियात के प्रोफाइल की तैयारी शुरू कर दी। जराए के मुताबिक प्रोफाइल में चारों शख्सियात की काबिलियत और अपने शोबे में कारकर्दगी शामिल होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चारों प्रोफाइल इजलास में पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन पंजाब के निगरान वजीर आला का ऐलान कल करेगा। नून लीग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के लिए मुतहरक। नवाज शरीफ ने पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्ला, जावेद लतीफ, साद रफीक और आया सादक बोर्ड में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से अमीर मकाम और मुर्तजा जावेद अब्बासी को पार्लिमानी बोर्ड में शामिल किया गया है। पंजाब और केपी के आम इंतखाबात में आरटीएस इस्तेमाल न करने का फैसला। जराए के मुताबिक दोनों सूबों में इलेक्शन 2018 में इस्तेमाल करता आरएमएस के जरिए होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आरएमएस को मॉडिफाई करने के लिए करोड़ों रुपए का ठेका भी दे रखा है। कंपनी आरएमएस को मॉडिफाई करके दो माह तक इलेक्शन कमीशन के हवाले करेगी। मेयर कराची किसका जोड़ तोड़ की सियासत जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की सरबराही में जमात इस्लामी का वफद तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट पहुंच गया। पीटीआर रहनुमाओं ने जमात इस्लामी के वफद का इस्तकबाल किया। मुलाकात में मुश्तरका मेयर और डिप्टी मेयर लाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। टाउंस की सतह पर भी इत्तेहाद के लिए गौर किया जाएगा। वज़ीर इत्तला'आत सिंध शर्जील मेमन को दिल की तकलीफ, अस्पताल मुंतकिल। शर्जील मेमन का कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में मुआयना जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए की सलमान शहबाज को क्लीन चिट, चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेश। एफआईए ने कहा सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स के सबूत नहीं मिले। सलमान शहबाज की दरख्वास्त जमानत वापस, समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर सलमान शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर बहस होगी। एहतसाब अदालत से रेफरेंस वापस होने का मतलब केस से बरियत नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि नैब कोर्ट से रेफरेंस सिर्फ दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं। रेफरेंस सिर्फ नैब को वापस किए जाने का कानून में कोई तसव्वुर नहीं। नए हकायक सामने आने पर नैब ज़मनी रेफरेंस दायर कर सकता है।